सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन अगेन एन एलिमेंट्स, सपोज दैट आप कीवर्ड्स अगर एन एलिमेंट्स एंटर करें देन फाइंड आउट क्या करना, काउंट करना नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स। मीन्स जनरली टू टाइप्स के नंबर एंटर करो, कोई भी नंबर, या तो इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर्स। अगेन सेम पैटर्न, सबसे पहले एंटर क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का वैल्यू प्रेस किया समथिंग 5, देन रन टाइम पर 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर एंटर करें, लाइक 2, 7, 6, 5, 12, लाइक दैट। इस केस में से काउंट क्या करना, नंबर ऑफ इवन काउंट्स एंड नंबर ऑफ ऑड काउंट्स। इवन काउंट और ऑड काउंट्स को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड कितने वैल्यूज होंगे, 2 सेपरेट वैल्यूज, ईसी ओडी और ओसी, इवन काउंट एंड ऑड काउंट। इवन काउंट और ऑड काउंट का इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करना है 0, 0। फर्स्ट वन एंटर किया 2, 2 के रिस्पेक्ट में चेक करें 2 कैसा नंबर है, 2 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर है देन इंक्रीमेंट किस में कराएंगे, इन केस ऑफ इवन, इफ एंटर नंबर इज इवन देन परफॉर्म इवन काउंट प्लस प्लस। देन 2 इवन नंबर था इसलिए इवन काउंट प्लस प्लस हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट टाइम एंटर किया 7, 7 के केस में टाइप किया ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर है देन परफॉर्म क्या कराएंगे, इंक्रीमेंट इन ओसी प्लस प्लस, ओसी का वैल्यू क्या 0 अगेन 1। नेक्स्ट टाइम एंटर किया 6, 6 अगेन इवन नंबर, इवन है तो फिर से परफॉर्म क्या हो, इंक्रीमेंट इन इवन काउंट। मीन्स एट ए टाइम या तो इवन काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर ऑड काउंटर में। नेक्स्ट वन वी आर एंटरिंग 5, 5 इज अगेन ऑड नंबर, और सपोज दैट वी आर एंटरिंग 12 और सम इवन नंबर बिफोर ऑड नंबर 12 के केस में, अगेन 12 कैसा इवन है इसलिए फिर से इंक्रीमेंट किस में होगा, इवन काउंटर में। नेक्स्ट टाइम 5, 5 इज ऑड नंबर, देयरफॉर वी आर इंक्रीजिंग ऑड काउंटर। इसके जस्ट बाद फाइनली आउटपुट में क्या डिस्प्ले कराना, वैल्यू ऑफ इवन काउंटर, वैल्यू ऑफ ऑड काउंटर। टोटल 5 नंबर एंटर किए, अमंग 5 नंबर्स इवन नंबर्स कितने 3 और ऑड नंबर्स कितने 5। अगेन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न यूज करेंगे, इस केस में टोटल रिक्वायर्ड वैल्यूज कितने, इवन काउंटर, ऑड काउंटर एन प्लस एवरी टाइम न्यू नंबर रीड डाउन कराने के बाद आसानी किस में कराएंगे, सेपरेट वेरिएबल एक्स। मीन से सारे के सारे वैल्यू स्टोर किस फॉर्म में होंगे, 1 by 1 इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स। इसके अलावा एन अदर वेरिएबल रिक्वायर्ड समथिंग आई, टोटल 5 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, वॉइड मैन देन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इवन काउंटर ई सी इक्वल्स टू 0, ऑड काउंटर ओ सी इक्वल्स टू ऑल्सो 0, देन वेरिएबल आई कॉमा एन कॉमा एक्स। आई को क्रिएट करने का पर्पज क्या है, मैनेजिंग इटरेशंस ऑफ द लूप, एन इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स इज अ नंबर ऑफ एंटर्ड एलिमेंट्स 1 by 1। नेक्स्ट फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा, इस केस में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स राइट डायरेक्टली रीड डाउन करना पॉसिबल, इससे जस्ट पहले रिक्वायर्ड क्या हो, वैल्यू ऑफ एन, और एन का वैल्यू एवरी टाइम कीबोर्ड से रीड डाउन करें इसलिए यूज क्या करेंगे, पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ एन, एन वैल्यू रीड डाउन करने के बाद यूज क्या करें, अप्लाइंग स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ के थ्रू रीड कराएंगे वैल्यू ऑफ एन, एम परसेंट ऑफ एन। व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप, नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप इज मैनेजिंग लूप, लूप फाइनली एग्जीक्यूट कितनी बार कराना है, फ्रॉम 1 to n, देयरफॉर वी आर इनिशियलाइजिंग आई बाय 1, कब तक चलाना है इसको, जब तक आई का वैल्यू n से छोटा है या n के इक्विवेलेंट है, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन, एवरी टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हो, लूप के अंदर स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले एवरी टाइम x का वैल्यू रीड करेंगे, देन कंडीशन अप्लाई करें, इफ कंडीशन फॉर इवन और इफ कंडीशन फॉर ऑड। मीन्स अगर आप अगर इवन के लिए कंडीशन बनाए देन ऑड वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली पुट कर सकते हो इनसाइड एल्स बॉडी। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या, रीडिंग वैल्यू फॉर एक्स, पुट्स एंटर नेक्स्ट आइटम और एंटर आइटम, कितने आइटम रीड डाउन होंगे डिपेंड करेगा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट, और लूप एन टाइम एग्जीक्यूट हुआ इसलिए एवरी टाइम वैल्यू और वैल्यूज भी कितने रीड होंगे, एवरी टाइम एन वैल्यूज, परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एक्स। फर्स्ट टाइम सपोज दैट एक्स का वैल्यू एंटर हुआ 2, देन 2 के रिस्पेक्ट में चेक करें 2 इवन है ऑड है, इवन के केस में कंडीशन क्या था, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 2 देन इट विल रिटर्न रिमाइंडर एट 0, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन सिंपली परफॉर्म क्या करा लेंगे, इवन काउंटर
प्लस प्लस अगर कंडीशन फॉल्स है देन ऑब्वियसली मीन्स फॉल्स है तो इसका मतलब क्या नंबर इज ऑड ऑड है तो इसको प्रोवाइड कहाँ कराओ इनसाइड एल्स ब्लॉक एल्स में सेपरेटली कोई न्यू कंडीशन प्रोवाइड करने की नीड नहीं डायरेक्टली परफॉर्म कराएंगे ओ सी प्लस प्लस इस तरह से लॉजिक्स कितनी बार एग्जीक्यूट हो डिपेंड्स नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ दिस लूप फाइनली लूप के बाद डिस्प्ले क्या करा लें नंबर ऑफ टोटल इवेंट टोटल इवन नंबर टोटल ऑड प्रिंट एफ टोटल इवन एंटर्ड नंबर्स आर परसेंट डी इस टूर किस में ई सी के फॉर्म में नेक्स्ट वन प्रिंट एफ टोटल ऑड नंबर्स आर परसेंट डी इससे जस्ट पहले यूज क्या कर सकते हैं प्रीवियस केस में और करंट केस में स्लैश एन परसेंट डी देन ऑड काउंटर ओ सी प्लस प्लस स्लैश एन से मीन्स दोनों ही मैसेज सेपरेट लाइंस में डिस्प्ले होंगे गिवन लॉजिक्स के थ्रू नंबर ऑफ इवन नंबर्स और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करना पॉसिबल है